नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चला हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और आज का ये जो टॉपिक है हमारा दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम और पार्ट है हमारा सेकंड। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो मैं एक बार आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ। हम लोगों ने बात की थी कि भाई सांस लेने से लेकर और एनर्जी बनने तक ये पूरा का पूरा दोस्तों तीन प्रोसेस में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता था दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, वो हम लोग दो रेस्पिरेशन के बारे में तो बात कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था एक था हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस, यानी सांस लेने से और एनर्जी बनने तक पूरा का पूरा प्रोसेस कितने पार्ट में, तीन। एक होता था दोस्तों एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक होता था ट्रांसपोरेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। और एक हम लोगों ने पढ़ा था अपना जो थर्ड नंबर पे था दोस्तों इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन जिसको कहते थे इंटरनल रेस्पिरेशन, या इसी को दोस्तों हम लोगों ने सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा था। ठीक है, कोशिकीय श्वसन। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना फर्स्ट पढ़ लिया है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसका थोड़ा सा पार्ट बचा है। आज जो मेनली हम बात करेंगे अपना सेकंड और थर्ड, यानी ट्रांसपोरेशन ऑफ गैसेस और इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। और दोस्तों जिसने ये पार्ट, जो भी आज नया बच्चा हमारी इस वीडियो को देख रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले पार्ट फर्स्ट देखें, तभी आपको पार्ट सेकेंड समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता देता हूँ ये तीन रेस्पिरेशन, याद, ये तीन प्रोसेस हमारे थे क्या। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये है हमारी बॉडी, हमारा शरीर, और ये है हमारा लंग्स। ठीक है, पहले हम लोगों ने दोस्तों सांस लिया और हमारे लंग्स तक हमारा क्या गया, सांस गया, ठीक है, एयर गई। और दोस्तों हम ऑक्सीजन नहीं लेते, ध्यान रखना, हम एक एयर लेते हैं, ठीक है, केवल ऑक्सीजन ही लेते, वो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, और छोड़ते हैं CO2, लेते हैं एयर। ठीक है, कभी ये मत कहना ऑक्सीजन लेते हैं, अब आप लोगों को पता चल गया है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ट्रांसपोरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, दोस्तों हम लोगों ने सांस लिया और हमारा सांस कहाँ तक गया, फेफड़ों तक, ये तो था हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब फेफड़ों से दोस्तों हमारा जो सांस है, हमारी जो एयर है या हमारा जो ऑक्सीजन है, अब ये ब्लड के माध्यम से कहाँ तक जाएगा, हमारी एक सेल्स तक जाएगा। ये क्या है, हमारी एक सेल है, कोशिका है। तो दोस्तों सेकंड जो प्रोसेस था ये था हमारा सेकंड प्रोसेस, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड, और जो इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होगा सेल्स के अंदर, ये है हमारा थर्ड, जिसको हम कहते हैं इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। तो इस प्रकार तीन प्रोसेस में हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता था, कंप्लीट होता था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी को हम आज ख़त्म कर देते हैं। पहला हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारी बातें हमने की थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको लंग्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, फेफड़ों के बारे में मैंने हालांकि कल सारी बात कर चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए दोस्तों ये है हमारा लंग्स। तो लंग्स में मैंने आप लोगों को क्या बताया था दोस्तों, जैसे ये थी हमारी दोस्तों कौन सी, ट्रैकिया। ट्रैकिया से हम कहाँ पे आते थे, ब्रोंकस में। ठीक है, ये क्या था दोस्तों, हमारा ब्रोंकस। आगे चल के ब्रोंकस कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा था दोस्तों, कितने पार्ट में, ये है हमारा ब्रोंकाइल्स, यहाँ दो पार्ट में, ठीक है, इधर तीन नलियों में डिवाइड हो रहा था, ये आप लोगों को पता है। आगे चलकर ये भी बहुत सारी नलियों में, और आगे चलकर फिर इनके आगे क्या था, गुब्बारे नुमा संरचना थी, जिनको हम क्या कहते थे दोस्तों, एलवियोली कहते थे। और जो राइट लंग है वो हमारा बड़ा होता था, किससे, लेफ्ट लंग से। ठीक है, और दोस्तों जो लेफ्ट लंग होता था हमारा, यहाँ इन्हीं के बीच में थोड़ा सा इसी की साइड में हमारा कार्डियक नोड्स होता था, जहाँ पे हमारा क्या रहता है, हर्ट रहता है। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। और सबसे नीचे एक मसल्स नुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते थे दोस्तों, डायफ्राम कहते थे। ठीक है, डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम का मेन काम क्या होता है दोस्तों, एक तो हमारे चेस्ट को एब्डोमिनल पार्ट से अलग करना, और दूसरा दोस्तों क्या होता है, हमारे ब्रीदिंग को रेगुलेट करना। ठीक है, हमारी ब्रीदिंग को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना किसका काम होता है, डायफ्राम का। ठीक है दोस्तों, ये हम बात कर चुके थे अपना, इससे आगे अब हमको क्या पढ़ना है, चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया दोस्तों किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लंग्स। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बता चुका हूँ, इसको क्या नाम देते थे दोस्तों, ब्रोंकाई, क्या कहते थे, ब्रोंकाई। और आगे चलकर ये बहुत सारी नलियों में डिवाइड हो रहा था, तो इसको क्या कहते थे दोस्तों, ब्रोंकाइल्स।
ठीक है। और ये गुब्बारे नुमा संरचना इनको क्या कहते हैं, एल्वियोली कोशिकाएं, ठीक है दोस्तों, इनको कहते हैं हम कोशिकाएं। और इसको क्या कहते हैं हम, ट्रैकिया। क्या कहा था, ट्रैकिया। ट्रैकिया कौन होता है, विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप को ही क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रैकिया। और इसके ऊपर यानी इन मसल्स को, ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने वाली जो वो होती थी दोस्तों, लेयर्स होती है या जो मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या कहते थे बताओ, उसको क्या कहते थे दोस्तों, उसको हमने नाम दिया था पेलुरा मेम्ब्रेन्स, ठीक है, जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेलुरा मेम्ब्रेन, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, पेलुरा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है राइट लंग और ये है लेफ्ट लंग, ठीक है। तो दोस्तों इतनी सारी बातें हमने अपनी पिछली क्लास में कर चुके थे। तो थोड़ा सा लंग्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ से एक दो पॉइंट ध्यान रखना। सबसे पहले तो दोस्तों लंग्स की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं पुलमोनोलॉजी, ठीक है, लंग्स की स्टडी ऑफ लंग्स क्या होता है दोस्तों, पुलमोनोलॉजी, स्टडी ऑफ लंग्स पुलमोनोलॉजी, ठीक है। और जो लंग्स को, जो डॉक्टर लंग्स को देखता है तो उसको क्या कह देते हैं, पुलमोनोलॉजिस्ट, आगे तो सेम है लेकिन पीछे लॉजी की जगह क्या लगा देना, लॉजिस्ट, ये हमारा एक विशेषज्ञ होता है, ठीक है। और दोस्तों लंग्स का जो हमारा वजन होता है, वेट होता है, वो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, 1 से लेके 1.5 किलोग्राम तक हमारा क्या होता है, लंग्स का वजन होता है, ठीक है, 1.3 से लेके 1.5 किलोग्राम तक, ठीक है, कई दफ़ा 1 भी कर देते हैं, लेकिन ये है कितना, 1.3, मेन 1.3 से लेके 1.5 किलोग्राम तक, ठीक है, आप लोग कह सकते हैं। तो आपको यहाँ से ध्यान क्या रखना है दोस्तों, ये जो लंग्स होता है हमारा सेकंड हैवीएस्ट ऑर्गन है हमारा, ठीक है, सेकंड हैवीएस्ट ऑर्गन। दूसरा सबसे भारी अंग हमारे शरीर के अंदर कौन होता है, हमारे फेफड़े होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट आपको बताओ कौन सा था, हमने बताया था लीवर। लीवर हैवीएस्ट ऑर्गन होता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। फिर बात आती है लंग्स का कलर कैसा होता है दोस्तों, लंग्स का जो कलर होता है वो पिंक होता है, गुलाबी कलर होता है दोस्तों, ठीक है, गुलाबी। और बीड़ी तंबाकू वगैरह ज़्यादा पीने से हमारा इनमें नलियों में दोस्तों वो जमना स्टार्ट हो जाता है, पूरे फेफड़े ही खराब हो जाते हैं और उसका कलर ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक भी आप लोगों के लंग्स हो जाते हैं ज़्यादा अल्कोहल, ज़्यादा बीड़ी तंबाकू वगैरह का सेवन करने से, ठीक है। नॉर्मली ध्यान रखना हमारा लंग्स का कलर कैसा होगा, पिंक होगा, ठीक है। अब लंग्स का दोस्तों हमने बात की थी, लंग्स की हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है। जैसे हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है दोस्तों, सेल होती है, एक कोशिका होती है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं लंग्स यानी दोस्तों फेफड़े, हिंदी में क्या कहते हैं, फेफड़े, या इसी को हम फुफ्फुस भी कहते हैं, ठीक है, फुफ्फुस। तो मैंने कहा दोस्तों लंग्स की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, लंग्स की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एल्वियोली कोशिकाएं, क्या होती है, कोशिकाएं। तो आप लोग कह सकते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था, एल्वियोली इज द दोस्तों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो ये बात हम कर चुके हैं दोस्तों, संरचनात्मक और कार्यात्मक, ठीक है, संरचनात्मक यानी जिसका वो बना होता है, ठीक है, संरचनात्मक और कार्यात्मक। तो ध्यान रखना भाई, कार्यात्मक लंग्स का कार्य क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, CO2 देना ब्लड को और वहाँ से क्या लेना, सॉरी ऑक्सीजन देना और CO2 लेना, सिंपल, ये तो हो गया हमारा ब्लड लंग्स का काम होता है। और दोस्तों स्ट्रक्चरल क्या हो गया, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे प्रत्येक एक फेफड़े में लगभग 1 लाख एल्वियोली होती है, कितनी, 1 लाख। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो लंग्स है वो बना ही किन का है, इन्हीं एल्वियोली का बना है, इन्हीं गुब्बारे नुमा संरचनाओं का ही बना है, ठीक है। तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखना यहाँ से इतनी सारी बातें, ठीक है। चलिए भाई अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, मैं एल्वियोली के बारे में बता देता हूँ आपको और फिर हम अपना दोस्तों सेकंड पार्ट पढ़ेंगे ट्रांसपोरेशन ऑफ गैसेस का, ठीक है। एक बार थोड़ा सा एल्वियोली के बारे में आपको बता देते हैं। एल्वियोली से दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान रखना। एल्वियोली से, कोशिकाओं से एक क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, मान लो ये गुब्बारे नुमा संरचना है,
ध्यान से देखना है आप लोगों को। ये है हमारा गुब्बारे नुमा संरचना, ये है हमारा ब्रोंकाइल्स, और ब्रोंकाइल्स हमने कहा ना आगे चलकर गुब्बारे नुमा संरचना होती है, जैसे ये रही, ठीक है। और इन्हीं यहाँ से ही हमारे क्या रहते हैं दोस्तों, ब्लड्स रहते हैं। एल्वियोली के पास ही हमारा क्या रहता है, ब्लड्स रहता है, ब्लड्स घूमता रहता है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ब्लड्स है दोस्तों। अब ये बताओ हमारा बाहर से क्या आया, बाहर से दोस्तों हमने क्या ली, बाहर से हमारी आ गई ऑक्सीजन, क्या आ गई ऑक्सीजन। और ध्यान रखना हमारे ब्लड में भी दोस्तों अभी के लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ब्लड में हमारी और क्या प्रेजेंट है, CO2। ऑलरेडी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 प्रेजेंट है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन भी आएगी और क्या आएगी दोस्तों, बहुत सारी गैसेज आती थी, यहाँ पर CO2 भी आ गई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई। अब दोस्तों यहाँ से एल्वियोली से एक्सचेंज कैसे होता है, कौन सी विधि से होता है, सबसे पहले तो ध्यान रखना एल्वियोली का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का आदान प्रदान, यानी CO2 को दे देगा, सॉरी ऑक्सीजन को ब्लड में जाने देगा, और यहाँ से क्या कर लेगा, CO2 को वापिस यहां से इसी रास्ते से बाहर निकाल देगा। समझ आया, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसका काम होता है, एल्वियोली का। और किस प्रोसेस से, तो ये प्रोसेस आप लोगों से पूछा जाता है दोस्तों, डिफ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है, यानी विसरण विधि से। आप लोगों से ये क्वेश्चन ही कई दफा पेपर में मैंने देखा हुआ है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखना कि एल्वियोली में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किस प्रोसेस से होता है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। अब ये प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा यहाँ पे ना आप लोगों को हाई प्रेशर के बारे में सीखना होगा। जैसे हवाएं जो होती है, विंड जो होती है, एयर जो होती है दोस्तों, वो हमेशा ध्यान रखना हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर से वो किसकी तरफ जाती है, लो प्रेशर की तरफ। एयर जो होती है वो हमेशा दोस्तों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, और ऑक्सीजन के यानी एयर्स के या किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हाई प्रेशर से किसकी तरफ जाएंगे, लो प्रेशर की तरफ। बस एक फंडा आप लोगों को ध्यान रखना है, और इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। जब एयर्स के या ऑक्सीजन के या CO2 के मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाए, इसी को क्या कहेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस। तो होता क्या है दोस्तों, अब ध्यान रखना, जब हमारे ब्लड में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे दोस्तों प्रेशर क्या होता है ब्लड में, अभी के लिए यहाँ पे प्रेशर क्या है, लो प्रेशर है। और हम लोगों ने सांस लिया, बाहर से ऑक्सीजन ली, तो यहाँ पे एल्वियोली में अभी ऑक्सीजन का क्या है, हाई प्रेशर है, क्या है, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर कहाँ पर है दोस्तों, एल्वियोली में, लो प्रेशर कहाँ पर है, ब्लड में। तो अपने आप क्या होगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई प्रेशर से किसकी तरफ ना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चले जाएंगे। और यहां पे दोस्तों CO2 का जो है तो हाई प्रेशर है, कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर, और अंदर क्या है, लो प्रेशर, क्योंकि ऑक्सीजन दोस्तों हम लोगों ने एनवायरनमेंट से जो CO2 ली वो तो मात्र 0.036% ली थी, लेकिन हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा CO2 रहती है, क्योंकि एनर्जी बनती है ग्लूकोज का, जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज जब हमारे अंदर टूटता है तो क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, तो CO2 निकलता है, प्लस जलवाष्प निकलते हैं, और प्लस एनर्जी निकलती है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारे शरीर के अंदर CO2 बनता है, तो CO2 हमारे गैसेस हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा है, तो CO2 का हाई प्रेशर रहता है ब्लड में, और अंदर क्या है, एल्वियोली में, लो प्रेशर में। तो हमेशा मैंने कहा, क्या कहा था, हाई प्रेशर से मॉलिक्यूल्स कहां जाएंगे, लो प्रेशर। तो क्या होगा, यहां से एल्वियोली में चले जाएंगे CO2 के मॉलिक्यूल्स, और यहां से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, लेकिन आप लोगों को मैं सिंपल एक ही बात बता सकता था कि भाई एल्वियोली से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के तहत होता है, विसरण विधि के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है एल्वियोली का। और मैंने वही बात बताया कि ये लंग्स की क्या यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, ठीक है। चलिए भाई, अब हम अपना सेकंड पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, ट्रांसपोरेशन ऑफ गैसेस। हमारा जो यहाँ से लंग से फेफड़ों से आदान प्रदान हो चुका है गैसेस का, ठीक है, अब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन आ चुकी है। अब दोस्तों ये जो सेकंड है, अब ये हमारा सेकंड प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सेकंड कौन सा प्रोसेस था, मैंने बताया था आप लोगों को, ट्रांसपोरेशन ऑफ गैसेस,
ठीक है, ट्रांसपोरेशन ऑफ गैसेस, वायु का दोस्तों क्या होता है, ट्रांसपोरेटन, वायु आदान और प्रदान। अब देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को कहा था कि मान लो ये फिर से हमारा क्या है, बॉडी, ये है हमारे लंग्स। अब लंग्स से भाई सेल्स तक, लंग्स से ये है हमारी सेल, ये दूसरा प्रोसेस है दोस्तों, लंग से सेल तक। अब ये जो ऑक्सीजन इसमें आ चुकी है, इसको लेकर कौन जाएगा, इस ऑक्सीजन को, ये है लंग और ये है सेल, भाई लंग से सेल्स तक ऑक्सीजन को लेकर कौन जाता है ब्लड में, और यहाँ से CO2 को लंग्स तक कौन लेके आएगा, तो वही हमारा ट्रांसपोरेशन ऑफ गैसेज होता है। तो आप क्या कहोगे, ट्रांसपोरेशन ऑफ गैसेज में ऑक्सीजन एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लंग्स से सेल्स तक यानी फेफड़ों से कोशिकाओं तक आदान प्रदान करना। क्या करना दोस्तों, आदान प्रदान करना, ठीक है, ट्रांसपोरेट करना ही क्या होता है, ट्रांसपोरेशन ऑफ गैसेज होता है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ले जाएगा इसके पास और यहाँ से CO2 ले आएगा इसके पास, ठीक है। क्या होगा, मैंने क्या कहा आपको दोस्तों, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, लंग से यहाँ चली जाएगी ऑक्सीजन और यहाँ से लंग्स तक आ जाएगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। अब ये काम ब्लड में करेगा कौन, तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में तीन टाइप की सेल होती है, ये हम ब्लड्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ भी मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। एक होता है WBC, एक होता है RBC और एक होता है दोस्तों प्लेटलेट्स। क्या होती है, प्लेटलेट्स। तो ध्यान रखना भाई, ब्लड में दोस्तों ये जो RBC सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल, इसका काम होता है किसका, ये काम ऑक्सीजन और CO2 को लंग्स तक, सेल्स तक लाने ले जाने का काम ब्लड में कौन करता है, RBC सेल्स करती है। और ध्यान रखना, RBC सेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, ये मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किसका बना होता है, आयरन का, और इसी के कारण हमारे ब्लड का कलर, कैसा होता है दोस्तों, रेड कलर होता है। ध्यान रखना, किसके कारण, अगर पूछा जाए हमारे खून का कलर लाल, कौन सी सेल की वजह से होता है, RBC, लाल रक्त कणिकाओं के कारण होता है, या RBC ऑप्शन में ना हो तो हीमोग्लोबिन में भी ना हो तो आयरन की वजह से होता है, ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। दोस्तों क्या होगा, मान लो ये हमारे ब्लड में RBC सेल्स थी या हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्लड है, RBC सेल्स है, RBC सेल्स से क्या आ गई, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, तो ऑक्सीजन किसके साथ मिल गया, हीमोग्लोबिन, और ये क्या बना देगा, HbO2 बना देगा, यानी जिसको कहेंगे ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है, इसी को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं दोस्तों। कैसा ब्लड कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, ठीक है। अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, सेल्स तक जाएगा, ठीक है, और वहाँ से वापस क्या होगा, जब हेमोग्लोबिन के साथ वहाँ पे वापस आते वक्त CO2 मिल जाएगा, तो ये HbCO2 हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे दोस्तों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड होता है, इसको आप कह सकते हो प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड कब होती है, जब दोस्तों हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलेगी, इसको कहेंगे प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड, और जब हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तो इसको कहते हैं इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड। तो ये दो बातें आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोरेशन ऑफ गैसेस, बस आप लोगों को ट्रांसपोरेशन ऑफ गैसेस से यही सीखना था कि ये लाने और ले जाने का काम कौन करता है। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ बताऊँ तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो लाते वक्त ना दोस्तों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है सेल से लेके लंग्स तक, पूरा का पूरा हेमोग्लोबिन तो ना दोस्तों ध्यान रखना 20% ही लेके आता है, यहाँ से CO2 को हेमोग्लोबिन कितना परसेंट लेके आता है, बस 20%। और कौन लेके आता है, ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, तो प्लाज्मा भी लेके आता है CO2 को प्लाज्मा में घुल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लाज्मा भी उसको क्या कर देता है, उसका ट्रांसपोरेशन कर देता है, ठीक है। तो ये हम आगे भी बताएंगे आप लोगों को, बस अभी के लिए आप लोगों को सीखना क्या था कि आदान प्रदान ऑक्सीजन और CO2 का कौन करता है, ब्लड में RBC में हेमोग्लोबिन करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोरेशन ऑफ गैसेज, ठीक है। चलिए भाई, अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग कह सकते हो
इंटरनल रेस्पिरेशन, और इंटरनल जो रेस्पिरेशन होता है वो हमारा कहाँ पे होता है दोस्तों, सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब थर्ड आ गया हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, या इसी को हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन, या इसी को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक रेस्पिरेशन। ठीक है, कैटाबॉलिक रेस्पिरेशन क्या होता है भाई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस में भाई किसका, ग्लूकोज का क्या होना, विघटन होना ही क्या होता है कैटाबॉलिक रेस्पिरेशन। ठीक है, देखिए हम सीखते हैं दोस्तों, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है अन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये क्या है देखते जाओ, एक होता है अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, और एक होता है दोस्तों ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। अब ये क्या है चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, अब ये बताने से पहले आप लोग एक बात सीख लो, हमारी सबसे छोटी यूनिट क्या थी, सेल। मान लो ये कोई एक सेल है भाई, ठीक है, इस सेल के अंदर दोस्तों, इस सेल के अंदर क्या होता है ध्यान रखना, इस सेल के अंदर हमारा बहुत सारा लिक्विड पार्ट भरा रहता है, और इसी लिक्विड पार्ट को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा। और कुछ नहीं, मैंने क्या कहा, हमारी सेल के अंदर बहुत सारा लिक्विड पार्ट भरा रहता है, जेलीनुमा पार्ट भरा रहता है, उसी को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा। तो आप कह सकते हो कि सेल के लिक्विड पार्ट को ही क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों इस सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें और हमारी भरी रहती है, और क्या क्या भरी रहती है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें भरी रहती है सेल के अंदर, एक न्यूक्लियस भी होता है, नाभिक भी होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। मान लो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ध्यान रखना दोस्तों, बस ये दो चीज़ें आप लोगों को सीखना है रेस्पिरेशन के लिए। एक होता है सेल्स के अंदर लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा, और इसी के सेल्स के अंदर ही एक ऑर्गेनल्स होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब ध्यान रखना दोस्तों, एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले ध्यान रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जब विघटन होता है उसी को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, 6H12O6। अब इसके साथ क्या मिलेगा दोस्तों, ऑक्सीजन मिलेगा। अब ऑक्सीजन का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को जलाना, ध्यान रखना, ऑक्सीजन का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को जलाना। अब ये क्या करेगा, इस ग्लूकोज को जलाकर क्या करेगा, CO2 एंडिंग प्रोडक्ट CO2H2O, और प्लस दोस्तों 36 ATP एनर्जी निकालता है। कितने ATP मॉलिक्यूल्स निकालता है, 36 ATP एनर्जी। ATP क्या क्या फुल फॉर्म होता है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों को ध्यान क्या रखना है दोस्तों, ATP जो होता है मनुष्य के शरीर की जो एनर्जी होती है वो ATP की फॉर्म में मापी जाती है, ये आप लोग ध्यान रखना, सिंपल। ठीक है, मैंने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जब ग्लूकोज का विघटन किसकी उपस्थिति में हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। ठीक है, अभी के लिए बस ये ध्यान रखो, ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यहाँ पे देखो भाई, ये क्या होता है, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब ग्लूकोज का C6H12O6, जब ग्लूकोज दोस्तों ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के अपने आप क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए या टूट जाए। यहाँ पे तो किसने ब्रेक डाउन किया था, ऑक्सीजन ने इसका ब्रेक डाउन किया, ग्लूकोज का, ग्लूकोज को तोड़ दिया। यहाँ पे बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के ये क्या होता है, खुद ही टूट जाता है, खुद ही क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, खुद टूट के दोस्तों ये क्या कर देगा, कुछ प्रकार के एसिड बना देता है अपने आप टूट के, और कुछ एसिड बना देगा, जैसे एक बना देगा पायरुविक एसिड, बहुत ही फेमस एसिड है पायरुविक एसिड, एथेनोइक एसिड, 3-4 प्रकार के एसिड है ये ध्यान रखना। एक बनाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये 3-4 प्रकार के हमारे क्या बनाता है, एसिड बनाता है, अलग अलग प्रकार के एसिड है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, क्या है ये अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को, ये सीख चुके हैं आप लोग में भी।
ठीक है। अब आप लोगों को ध्यान क्या रखना है दोस्तों, एक बार फिर से देखो, सेलुलर रिस्पिरेशन किसके अंदर होता है, सेल्स के अंदर, ऑक्सीजन सेल के अंदर होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक रेस्पिरेशन। कैटाबॉलिक क्या होता था भाई, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन द अब्सेंस और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो जाए ना और एनर्जी निकले, उसी को कैटाबॉलिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, एनैरोबिक और एरोबिक। एरोबिक का मतलब है जब ग्लूकोज का विघटन किसकी उपस्थिति में हो, ऑक्सीजन की। अनैरोबिक का मतलब है जब ग्लूकोज का विघटन बिना ही ऑक्सीजन की उपस्थिति के हो जाए, ठीक है, अपने आप ही हो जाए। समझ आया, यहाँ तक बात आप लोग सीख चुके हैं। अब आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे ग्लूकोज का विघटन हुआ और ये किस में चेंज हो गया, पाइरूविक एसिड, और प्लस में यहाँ पे दोस्तों 2 ATP एनर्जी निकलती है। भाई ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी तो बनेगी ही, कितनी एनर्जी बनी, केवल और केवल 2 ATP एनर्जी का हम लोगों को फायदा होता है यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोगों को बस ध्यान रखना, यहाँ पे 2 ATP एनर्जी बनती है, यहाँ पे कितने ATP एनर्जी बनी, 36 ATP एनर्जी बनती है। तो आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले देखो ये है हमारी दोस्तों सेल्स, क्या थी, सेल्स। तो सेल्स में जब हमारी क्या आई, ग्लूकोस आ गया और क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो सबसे पहले तो साइटोप्लाज्मा में ही उस ग्लूकोस का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। जब दोस्तों ध्यान रखना, ये जो अनैरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोस का विघटन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्मा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने कहा कि भाई ग्लूकोज का विघटन बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्मा में, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का विघटन सेल्स के किस पार्ट में होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप लोग ध्यान रखना दो बातें, कि सेल्स के किस पार्ट में दोस्तों कौन सा रेस्पिरेशन होता है, अनैरोबिक रेस्पिरेशन, सेल्स के किस पार्ट में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट में। तो सबसे पहले तो जब सेल्स में ऑक्सीजन और ग्लूकोज जाता है तो साइटोप्लाज्मा में ही ग्लूकोज का अपने आप विघटन हो जाता है, लेकिन पूरी तरह ग्लूकोज नहीं टूटता है, ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। समझ आया, सबसे पहले ग्लूकोज का आंशिक विघटन, यहाँ पे ये जो ग्लूकोज टूटा है ये दोस्तों बिल्कुल थोड़ा सा ही टूटा है, आंशिक विघटन हुआ है, और सिर्फ कितना एनर्जी निकाला, 2 ATP। लेकिन इसी ग्लूकोज का पूरी तरह विघटन कहाँ पे हो जाएगा, जब ये ग्लूकोज कहाँ पे चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाएगा तब इसका पूरी तरह विघटन हो जाएगा और यहाँ से कितनी एनर्जी निकलेगी, 36 ATP एनर्जी निकलेगी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई पूरे प्रोसेस में या एक ग्लूकोज के अणु में, जब ये एक ग्लूकोज का पार्ट मॉलिक्यूल्स है, एक ग्लूकोज का जब पूरी तरह ब्रेकडाउन होता है तो मनुष्य को कितने ATP एनर्जी मिलती है, तो ध्यान रखना 2 मिली दोस्तों यहाँ और 36 मिली यहाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 38 ATP एनर्जी मिलती है जब एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्तों। और एरोबिक रेस्पिरेशन या इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्मा में, साइटोप्लाज्मा में। और दोस्तों यहाँ पे इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं, या इसी को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। ये दो प्रोसेस आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, अगर मैं आप लोगों से पूछूँ इसको कौन सा प्रोसेस कहेंगे, क्रैब्स सर्कल या क्रैब्स प्रोसेस, इसी को EMP पाथवे भी कहते हैं। देखो अब मैंने क्या कहा भाई, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है अगर आप लोगों से पूछा जाए, तो आप क्या कहोगे भाई, ग्लूकोज का विघटन बिना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बिना ऑक्सीजन के हो जाए तो उसी को कौन सा प्रोसेस कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं, सिंपल। इसी को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या भाई, जब ग्लूकोज का विघटन बिना ऑक्सीजन के हो जाए और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो इसको कौन सा चक्कर कहते हैं, क्रेब्स प्रोसेस कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले क्रेब्स ने खोजा था तो इसलिए क्रेब्स साइकिल या क्रेब प्रोसेस कहते हैं। अगर फिर क्वेश्चन आएगा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में कितने ATP एनर्जी निकलती है, तो सिंपल, कितने ATP एनर्जी निकली, 2 ATP। या फर्मेंटेशन प्रोसेस से कितने ATP एनर्जी निकलती है, 2 ATP।
आपसे पूछा जाए क्रैब्स सर्कल में कितने एटीपी एनर्जी निकलती है, तो आप कहोगे 36 में 36 एटीपी। अगर आपसे पूछा जाए पूरी तरह विघटन ग्लूकोज का कहां पे होता है, तो आप कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आंशिक विघटन कहां पे होता है, तो आप कहोगे साइटोप्लाज्मा में। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने कहा पूरी तरह विघटन ग्लूकोज का कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आंशिक विघटन कहां पे होता है, साइटोप्लाज्मा में। और यहां पे कौन कौन से एसिड बनते हैं, पायरूविक एसिड बनता है, एथेनोइक और लैक्टिक एसिड। जब दोस्तों आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो आप लोगों की मसल्स में पेन होने लग जाता है, ऐसा क्यों? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा पेपर में आता है, यहां से ये ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड की वजह से। आप लोग जब बहुत ज़्यादा जिम में मेहनत करने लग जाते हो तो आपकी मसल्स में जब पेन होता है तो क्या होता है, आपको ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और आपका ग्लूकोज खुद ही खुद क्या होता है, टूटने लग जाता है। और टूटने लग जाएगा तो वो कौन सा एसिड निकालेगा, लैक्टिक एसिड निकालेगा, और लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जो आप लोगों को क्या करेगा, फिर पेन देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना लैक्टिक एसिड कब बनता है, कब निकलता है, आप कहोगे ग्लूकोज का जब आंशिक विघटन या ग्लूकोज का जब खुद पे खुद क्या हो जाए, विघटन होने लग जाए, तो वो लैक्टिक एसिड निकालता है। ठीक है, या पायरूविक एसिड निकालता है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये क्या निकालता है, एथेनोइक एसिड निकालता है। जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया, अमाइबा, फंगा, ईस्ट हो गया, जब उनमें ग्लूकोज का विघटन होता है तो उनमें कौन सा एसिड निकलता है, एथेनोइक एसिड। और उन्हीं के प्रोसेस को क्या कहते थे, उनमें सारा का सारा प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही तो दूध से दही का बनना, ठीक है, ये किस प्रोसेस से होता है, अल्कोहल बनना, भाई पाव ब्रेड रोटी बनना, तो ये सारे के सारे फर्मेंटेशन प्रोसेस के उदाहरण है। ठीक है, बायोगैस बनना, तो ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के, किण्वन प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों इसको हिंदी में, किण्वन प्रक्रिया। तो मे भी आप लोग दोस्तों समझ चुके हैं इसी को, क्रैब्स ने खोजा तो क्रैब्स सर्कल भी कहते हैं, साइकिल भी कहते हैं इसको, क्रैब्स साइकिल। ठीक है, ये बातें आप लोगों को सेलुलर रेस्पिरेशन से सीखनी थी, तो हमने सीखा कि एक ग्लूकोज के विघटन से 38 एटीपी एनर्जी निकलती है। तो दोस्तों अब हम दोस्तों कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे, कि भाई मनुष्य एक मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करता है, या आप लोगों से पूछा जाएगा हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है। हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा था, लंग्स था। भाई तरह तरह के जीव होते हैं, तरह तरह के जीव में तरह तरह के ऑर्गन होते हैं जो उनका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, वही हम लोगों को अब देखना है। देखिए दोस्तों, अब ये आप लोगों के सामने है मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी तरह तरह के जीव होते हैं दोस्तों, तो तरह तरह के उनके ऑर्गन भी होते हैं जो उनका रेस्पिरेशन का काम करते हैं। जैसे कि भाई हमारे शरीर के अंदर हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है दोस्तों, लंग्स। देखो वैसे तो हर एक ऑर्गन हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, जैसे नाक है भाई, ट्रैकिया है, वो भी वहाँ से भी सांस जा रहा है, लेकिन मेन की बात हो रही है मुख्य, तो मेन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा कौन है दोस्तों, लंग्स है। तो उसी प्रकार तरह तरह के जीव होते हैं, उनमें मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, तो यहां से आप लोगों का दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों लंग्स जो होता है, फेफड़े जो होते हैं, वो किन किन ऑर्गेनिज्म का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो आप लोग देख सकते हैं मैमल्स है, बर्ड है, पक्षियों का, ह्यूमन बींग्स वैसे मैमल्स में आता है, ठीक है, लिजार्ड और फ्रॉग ऑन लैंड, ये हमारे दो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा। छिपकली जो होती है या बड़े जो लिजार्ड होती है, मगरमच्छ जो होते हैं उनका, और फ्रॉग ऑन लैंड यानी वो जो मेंढक जो जमीन पर रहते हैं, पानी में नहीं जमीन पे, तो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, लंग्स। ठीक है, त्वचा जो है वो फ्रॉग ऑन वाटर यानी पानी में रहने वाले मेंढक, और दोस्तों केचवा और जो जोंक होती है, लीच और जो अर्थवर्म होते हैं, वो अपनी स्किन से ही क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। उनकी स्किन में क्या होता है, पोरस होते हैं, छिद्र होते हैं, और उन्हीं छिद्रों के माध्यम से वो क्या होती है, ऑक्सीजन जाती है, और वो लोग स्किन से क्या कर लेते हैं, सांस ले लेते हैं। तो ध्यान रखना केचवा और जोंक, और केचवे का जो ब्लड का कलर होता है वो वाइट होता है दोस्तों। ठीक है, गिल्स, गलफड़े, तो मछलियाँ जो होती है जैसे पानी में वो सांस लेती है। ठीक है, तो फिश और फ्रॉग, टैडपोल दोस्तों यानी मेंढक का जो बच्चा होता है वो क्या होता है दोस्तों, गिल्स से क्या करता है, सांस लेता है।
ठीक है, मेंढक ध्यान रखना दोस्तों। देखो यहाँ पे मैंने अलग से लिखा हुआ फ्रोग, फ्रोग दो प्रकार के, या तो मेंढक का बच्चा या जो अडल्ट है। तो जो टेडपोल होता है वो तो लेता है गिल से सांस, और जो अडल्ट होते हैं वो भी दो प्रकार के, या तो एक्वाटिक या लैंड, यानी जो पानी में रहते हो और जो जमीन पर रहते हो। जो पानी में रहते हैं वो तो स्किन से सांस लेते हैं, और जो जमीन में रहते हैं वो लंग से सांस लेते हैं। तो ये फ्रोग का आप लोग ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से, ठीक है। तो गिल्स भी देख लिया, ट्रैकियल ट्यूब वो हमारी जो ट्रैकिया थी, श्वास नली से ही कौन सांस ले लेते हैं। तो दोस्तों जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कॉकरोच, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कॉकरोच और अर्थवर्म, और ये आप लोग दोनों ध्यान रखना, यहाँ से बहुत बार पेपर में आता है। तो कॉकरोच जो होते हैं वो ट्रैकियल ट्यूब से, अर्थवर्म जो है स्किन से, और ग्रास होपर्स कीड़े मकोड़े भी ट्रैकियल ट्यूब से। दोस्तों प्लांट्स पौधे भी सांस लेते हैं, आपको पता है प्लांट्स अपनी पत्तियों से सांस लेते हैं, और पत्तियां ऑप्शन में, पत्तियों के ऊपर क्या रहता है, स्टोमेटा, यानी पत्तियों के पोरस को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा, यानी वात रंध्र, जहां से वायु आसानी से जा सके। तो स्टोमेटा क्या है, प्लांट्स का क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ और चीज़ें लिखी है, एक मिनट में हम लोग क्या करते हैं, 7 से 8 लीटर एयर को, हवा को इनहेल और एक्सहेल करते हैं, लेते हैं सांस और सांस छोड़ देते हैं। एक मिनट में कितना लीटर है, 7 से 8 लीटर सांस को दोस्तों, ठीक है। अगर दिन की बात करें, एक दिन में लगभग हम 11,000 लीटर एयर को एक्सहेल और इनहेल करते हैं। एक दिन में दोस्तों हम 550 लीटर ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। कितना लीटर, 550 लीटर ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। और दोस्तों हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, रेस्पिरेशन जो रेट होता है, एक मिनट में हम लोग 12 से 14 बार सांस लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी 3 से 4 सेकंड में हमारा एक सांस कंप्लीट होता है, जैसे सांस लिया और सांस छोड़ना, एक ब्रेदिंग पूरा होता है, ठीक है। तो एक मिनट में हम कितनी बार करते हैं, 12 से 14 बार। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन, और ये था हमारा दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये टॉपिक छोटा सा था, और आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।